यूपी के सुल्तानपुर जिले में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा की लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे पूर्व सपा विधायक अनूप संडा और अपनी कथित प्रेमिका समरीन खान को लेकर पिछले कई सालों से वो चर्चा में हैं। अपने आप को अनूप संडा की दूसरी पत्नी बताने वाली समरीन खान कभी अनूप संडा के आवास पर तो कभी पेट्रोल पंप पर हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार पूर्व विधायक अनूप संडा के महिला विंग समर्थकों और मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने समरीन खान की जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जहां एक ओर समरीन खान अपने आप को अनूप संडा की पत्नी बताती हैं, तो इस बवाल पर सपा नेता और पूर्व विधायक अनूप संडा ने भी तोड़ते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। देखिए, लगातार पिछले 10 वर्षों से मेरी राजनीतिक लोकप्रियता और मेरे जनाधार को खंडित करने के लिए मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिशें चल रही हैं, और जो घटनाक्रम है वो उन्हीं राजनीतिक साजिशों का एक अंग है। और मुझे पूरा जनता के न्याय पर और भारत की कानून व्यवस्था पर और भारत के न्याय पर विश्वास है। समय के साथ जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी। पहले भी सच्चाइयाँ सामने आई हैं और इस बार भी सच्चाई सामने आएगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। फिलहाल मौके की सूचना पर नगर कोतवाल संदीप राय भी पहुंच गए और मौजूद लोगों से पूछताछ की। उन्होंने पीड़िता समरीन की तहरीर पर सपाई नफीसा खान और विधायक समर्थक सुनील अग्रहरी समेत आधा दर्जन के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत, सुल्तानपुर, यूपी। समरीन खान संडा है, मैं यहां से विधायक रहे पूर्व विधायक अनूप संडा एमएलए की दूसरी पत्नी हूं। मेरा 15-16 साल बाद हमारा उनसे ब्रेकअप हो चुका है। इसको लेकर आए दिन बवाल होता रहता है और मैं अक्सर जाती रहती हूँ, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 22 साल बड़े हैं और मेरी उम्र इस समय 34 साल की है। अब मेरे सामने मेरी पूरा जीवन मेरा पड़ा हुआ है और ये अपनी भय और दहशत बनाने के लिए कई बार मेरे ऊपर आक्रमण करवा चुके हैं और आज भी जो है इन्होंने मेरे साथ यही किया। इन्होंने साजिश करके हमको वहाँ पे बुला के एक नफीसा बेग करके एक औरत है नफीसा करके 188 विधानसभा की अभी अनूप संडा ने उसको रिसेंटली वो पद दिलवाया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि उसने मुझे खुद ही बुलाया है वहाँ पे और उसके बाद वो खुद ही मुझसे भिड़ी है और खुद ही और अपने साथ की 5-6 लड़कियों को लेके उसने मुझे मारपीट मेरे साथ की। अपने बचाव के लिए मैंने भी मारपीट की, अपने बचाव में मैंने भी जो कर पाई मैंने करी।